हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल बीनास क्रिएशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं बीना और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं महाराष्ट्र का स्ट्रीट फूड मिसल पाव की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है, चटपटा बनता है और स्पाइसी बनता है। तो ये नई डिश ट्राई करने के लिए आप भी रेडी हो जाइए। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी वीडियो की ओर बढ़ते हैं, बनाते हैं चटपटा स्पाइसी मिसल पाव। तो फ्रेंड्स, मिसल बनाने के लिए हमें यहाँ पर ले लेने हैं मूंग, चने और मटर, जिसको मैंने ओवरनाइट तक भिगा डाला था। इसके साथ आप मठ भी ले सकते हैं, यानी कि मटकी, लेकिन मेरे पास अवेलेबल नहीं थी तो मैंने यहाँ पर नहीं ऐड की है। उसकी रेसिपी मैं आपके साथ दूसरी बार शेयर करूँगी। तो ये मैंने जो भिगा के रखा था उसका मैंने पानी निकाल दिया है, आप देख सकते हैं। और ये सारी चीज़ें मैंने हाफ हाफ कप ली है, तो आप इसी तरीके से भिगाइएगा। फ्रेंड्स, प्रॉपर मिसल बनाने के लिए हमें यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अंकुरित करना पड़ता है। करीबन 2 से 3 दिन हमें इसे भिगा के रखना पड़ता है, उसके बाद इसका मिसल बनाया जाता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है, मैंने इसे थोड़ा इंस्टेंट बनाया है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इसे बनाना। तो इसे हम पहले बॉईल कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 1.5 कप जितना पानी ले लिया है और उसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे और थोड़ी सी इसमें हम ऐड करेंगे हल्दी पाउडर। तो 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर हल्दी डाली है। तो इसे हम 2 से 3 विसल आने तक पका लेंगे। साइड में हम एक कढ़ाई ले लेंगे, उसमें हम तेल ले लेंगे थोड़ा सा। तो करीबन मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून जितना ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। तो 2 कटी हुई मैंने यहाँ पर प्याज ली है, इसे हम 2-3 मिनट भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे अदरक। तो 3 टुकड़े छोटे छोटे मैंने यहाँ पर अदरक के लिए हैं और कड़ी पत्ते 5 से 6 पीस। उसके बाद मैंने यहाँ पर हरी मिर्च ली है और अब मैंने यहाँ पर ली है 15 से 17 लहसुन की कलियां, इसे हम अच्छी तरीके से सौटे कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मिसल जो है वो बहुत ही स्पाइसी रहता है। तो अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सूखी लाल मिर्च। अगर आपको तीखा कम पसंद है तो यहाँ पर आप ग्रीन मिर्च को स्किप कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है ग्रीन मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद हो तो ही ग्रीन मिर्च ऐड करें। अब मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के टमाटर काट के ऐड कर दिए हैं, तो इसे भी मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। और थोड़ा सा इसमें हम नमक डाल देंगे ताकि इसे पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगे। तो इन सब्जियों को हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, बस ये थोड़ी सी नरम हो तब तक हमें इसे पकाना है। तो इसे हम लीड कवर करके 2 से 3 मिनट इसे हम पका लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट मेरे यहाँ पर हो चुके हैं, प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो इसी टाइम पर हमें ऐड कर देना है मिसल का मेन इन्ग्रीडियंट, कोकोनट पाउडर। अगर आपके पास फ्रेश कोकोनट है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और गैस की फ्लेम को हमें यहाँ पर बंद कर देना है, क्योंकि कोकोनट डालने के बाद हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसे हम ठंडा होने रख देंगे, इसके बाद हम इसकी पेस्ट बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पर कुकर की 3 विसल लगा ली है, आप देख सकते हैं ये अच्छे से कुक हो चुके हैं। तो इसे हम साइड में रख देंगे और जो हमने प्याज और टमाटर को ठंडा होने रखा था उसकी हम पेस्ट बना लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मिक्सी जार में इसे ऐड कर दिया है और आप देख सकते हैं मैंने इसकी फाइन प्यूरी बना ली है। तो अब हम गैस पे वापस से कढ़ाई रख देंगे और उसमें हम 5 बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मिसल में हमें अच्छा खासा ऑयल की ज़रूरत है। आप ज़रा भी कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि उसकी जो तरी होती है उसका ही मज़ा होता है। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है मस्टर्ड सीड्स और जीरा, यानी कि सरसों के दाने, जीरा और कड़ी पत्ता। 1/4 टीस्पून इसमें हींग ऐड कर देनी है। हींग ज़रूर से ऐड कीजिए, क्योंकि हम कठोर बना रहे हैं तो हींग डालना ज़रूरी है। अब हमने जो पेस्ट बना के रखी थी उसे हमें ऐड कर देना है और इस पेस्ट को हम अच्छे से तेल में पकाएंगे। जब तक कि तेल ऊपर नहीं आता है तब तक हमें इस पेस्ट को पकाना है। साथ ही साथ हम इसमें मसाले भी ऐड कर देंगे, लेकिन उससे पहले 2 से 3 मिनट हम इस पेस्ट को तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए अब मसाले ऐड करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, इसमें मसाले भी अच्छे खासे लगते हैं, ये बहुत ही स्पाइसी बनता है।
तो आप चाहें तो यहाँ पर मसालों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं या कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरे हिसाब से मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून यहाँ पर ऐड कर देंगे गरम मसाला। उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा 1 टीस्पून, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मसालों को हमें यहाँ पर एकदम से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे ढक के पकाएंगे ताकि ये जो मसाले हैं वो अच्छी तरीके से पेस्ट में मिक्स हो जाए और इसका तेल ऊपर आए। तब तक हम इसे पकाएंगे, लीड कवर कर देंगे इसे ताकि इसे पकने में टाइम नहीं लगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने इसे करीबन 2 मिनट तक पकाया है, तेल ऊपर आ चुका है। तो इसे थोड़ा हम चला देंगे और जिस मिक्सी जार में हमने पेस्ट बनाई थी उसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसमें हम ऐड कर देंगे। तो इसमें बहुत अच्छी क्वांटिटी में पानी लगता है, तो आपको इसमें अच्छा खासा पानी ऐड कर देना है। तो मैंने यहाँ पर पहले थोड़ा बहुत पानी ऐड किया है, थोड़ा बहुत पानी इसमें मैं बाद में ऐड कर दूँगी। अब हमने जो कठोर को कुक करके रखा था उसे हम ऐड कर देंगे और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद हम इसे पकाएंगे। तो फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे क्योंकि इस रेसिपी में बहुत ज़्यादा पानी लगता है, तो आपको जितना भी पानी ऐड करना हो आप अपने हिसाब से ऐड कर दें। अगर ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा रखना है तो कम पानी ऐड करें और पतला रखना है तो ज़्यादा पानी ऐड करें। इसे हम 5 से 6 मिनट तक ढक के पकाएंगे। तो 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं हमारा मिसल बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसकी ज़्यादा तरी बनाने के लिए हमें इसे 2 से 5 मिनट ठंडा होने रख देना है। तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर अच्छा खासा ऑयल जो है वो तैर आएगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वीडियो में इसकी अच्छी खासी ऊपर तरी बन गई है। तो अब इसे कैसे सर्व करते हैं चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 कटोरा, उसमें हम पहले थोड़ी सी इसमें ग्रेवी डाल देंगे इस तरीके से। इसके बाद इसकी जो तरी है ऊपर आप देख सकते हैं तेल जो है उसे हमें ऊपर डाल देना है इस तरीके से। फ्रेंड्स वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आता हो ना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। पास में दिए गए बेल बटन को ज़रूर से क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और सबसे पहले आप मेरे वीडियोज़ को देख सके। तो चलिए इसे प्लेट आउट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक प्लेट ले ली है, उसमें पाँव रख दिए हैं और मिसल का बाउल रख देना है और उसके ऊपर हमें सर्व कर देना है मिक्स चिवड़ा। तो ये तीखा वाला मिक्स चिवड़ा है, इसे इस तरीके से ऊपर से डाल देना है। इसे इसी तरीके से खाया जाता है। उसके ऊपर हम ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज और नींबू। तो बीच में हम रख देंगे कटा हुआ प्याज और एक नींबू का टुकड़ा, इसमें छिड़क के खाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी डिश लगती है फ्रेंड्स, एक बार ज़रूर से अपने घर पर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स कैसा लगा मेरा आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर से बताइएगा। और मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।